गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 केमिकल कनेटिक इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, सो लिसन इट केयरफुली. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आर रिएक्शन इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. वो टाइम जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस में रिड्यूस हो जाए, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए किसके, उसी की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर. इनिशियल कंसंट्रेशन मींस जो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन हम लेते हैं. इट मे बी स्टार्टेड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड. वो टाइम जब हमारे पास हाफ ऑफ द रिएक्शन कम्प्लीट हो जाती है, इट इज़ जनरली डिनोटेड एज टी हाफ. इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टी 1/2. टी यानी कि टाइम, हाफ लाइफ पीरियड के लिए 1/2 यूज़ करें. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कैलकुलेटेड. हमने क्या किया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए विच गिव्स टू प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज़ होता है, तो ए से हमारे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट. सो पीछे हमने डेरिवेशन में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मेथड से ये कैलकुलेट किया था. सो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए. ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बन गया, टी विच इज इक्वल टू 2.303, जो के था यानी कि रेट कांस्टेंट, वो कहाँ आ गया, 2.303 के नीचे. सो लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए. अब हमने हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है. हाफ लाइफ में हमने टाइम को किस में चेंज करना है, टी हाफ में, और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की उसे किस में रिड्यूस कर देना, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी कि ए हमारा किस में चेंज हो गया, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास, ए नॉट, और टी किस में चेंज हो गया, टी हाफ में. सो द हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास क्या बन गया, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सो टी हाफ यानी कि टी की जगह क्या आ गया, टी हाफ 2.303 ओवर के सेम, लॉग ऑफ ए नॉट सेम, ए को हमने क्या किया था, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ए की जगह क्या आ गया, ए नॉट बाय 2. ए नॉट से ए नॉट क्या हो गया, कैंसल, तो हमारे पास क्या बन गया, 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 2. अब हमारे पास हमने log 2 की वैल्यू पुट करनी है. log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010. ठीक है, ये हमने याद रखनी है, log 2 की वैल्यू 0.3010. सो यहाँ पे हमने इसे पुट किया, t हाफ क्या बन गया, 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 ओवर k. जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बन गया, 0.693 ओवर k. यानी कि हाफ लाइफ पीरियड हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, 0.693 ओवर के. हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब जो हमारे पास आंसर आया, इक्वेशन आई, इसमें हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आई रिएक्टेंट की. ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि वो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द रिलेशन दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टेंट. यानी कि जो हमारा इसमें क्या पता लग रहा है कि हमारा हाफ लाइफ पीरियड जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है यानी कि के, उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सिमिलरली द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड, सॉरी टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू एनी फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. इसी तरह से हम कोई और कंसंट्रेशन लेके हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, उसका हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 1/3 के ऊपर निकालना है. तो टाइम हमारा क्या हो गया, टी 1/3, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो किस में चेंज होगी, ए माइनस ए बाय 3, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, 1/3, यानी कि जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया. तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 ए. तो वापस से हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी 1/3 इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ, ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म थी, ए नॉट, नीचे क्या था हमारे पास, ए.
सो ए नोट की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्मॉल ए, एंड कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3 ए, या ए से ए कैंसल, तो हमारे पास क्या बन गया 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 3/2। सेम इसी तरह से हम 3/4 फ्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या है स्मॉल ए, जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया 3/4 क्वांटिटी को, तो हमारे पास क्या बन गया 1/4 ए। सो टी 3/4 विच इज़ इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ ए ओवर 1/4 ए, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गई क्वांटिटी 2.303 ओवर के लॉग ऑफ 4। सो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेम इसी तरह से हमने जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट कर लेना हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या क्वांटिटी बनी थी, पीछे हमने जब डेरिवेशन की थी के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। सेम इसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड में हमने क्या करना है टी को चेंज कर देना है टी 1/2 में, एंड ए जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसे क्या कर देना हाफ कर देना उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो पुट करो के टी की जगह टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की जगह क्या आ गया ए नॉट बाई टू, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गई क्वांटिटी ए नॉट बाई टू। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, और जो हमारे पास यहाँ पे के था रेट कांस्टेंट वो कहाँ आ गया उसके नीचे। तो ये हमारे पास आ गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने ये टर्म निकाली थी के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a नॉट। हाफ लाइफ पीरियड के लिए टी को किस में चेंज कर देना है टी हाफ, ए किस में चेंज हो जाएगा ए नॉट बाय टू। पुट कर दो के टी हाफ इज इक्वल टू ए की जगह क्या पुट करना है ए नॉट बाय टू, तो ए नॉट बाय टू जो टू है वो क्या आ जाएगा हमारा ऊपर। सो 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू 1/a0। सो टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0, और जो के था रेट कॉन्स्टेंट वो कहाँ आ जाएगा नीचे। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब यहाँ पे इन्होंने सम अप कर दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तीनों का बता दिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट किसके इक्वल होता है के ए नॉट, यानी कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें कोई भी हम रिएक्टेंट को यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने ऊपर कैलकुलेट किया था टी हाफ किसके इक्वल आया ए नॉट बाय टू के। सेम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट किसके इक्वल आता है के इंटू ए, के क्या हमारा रेट कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने कैलकुलेट किया 0.693 ओवर के, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट किसके इक्वल होता है के इंटू ए स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया 1/a0। दीज रिजल्ट्स गिव वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट ओनली द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि इन तीनों में से अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, टी हाफ ए नॉट क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टी हाफ ओवर ए नॉट फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। Thus we observe that for a zero order reaction, T half is directly proportional to A naught. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पावर ज़ीरो, ये कहाँ से लिख रहे हैं क्वांटिटी यहाँ से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ए नॉट के, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई ए नॉट की टर्म नहीं है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ए नॉट की पावर ज़ीरो। सेकेंड ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया ए नॉट की पावर माइनस वन, यानी कि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1/a ए नॉट की पावर माइनस वन, ठीक है। तो वही लिखा है इन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a की पावर ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर के लिए a नॉट, सेकेंड ऑर्डर के लिए a नॉट की पावर माइनस वन। तो अगर हम इनका सम अप करें और जनरल में लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर 1 माइनस एन, या फिर
वन ओवर ए नॉट एन माइनस वन, ठीक है। अगर हमने इसे नीचे लिया तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा वन माइनस एन था तो नीचे आके वो क्या बन जाएगा, एन माइनस वन। सो ऑर्डर ऑफ आर रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन बाय हाफ लाइफ मैथड। ऑर्डर हम हाफ लाइफ मैथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ आर रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इन अ रिएक्टेंट देन हाफ लाइफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस वन। जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन माइनस वन ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन। अब एग्जाम्पल ले ली, इफ़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ सी वन एंड द हाफ लाइफ पीरियड इज़ टी हाफ वन। हमने दो रिएक्टेंट ले लिए, ठीक है। फर्स्ट रिएक्टेंट की हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन हमने ले ली सी वन, टाइम ले लिया टी हाफ वन। इसी तरह से इनिशियल कंसनट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट की क्या आ गई हमारे पास सी टू, एंड टाइम क्या आ गया टी हाफ टू। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो टी हाफ वन ओवर टी हाफ टू इज इक्वल टू सी टू बाय सी वन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसनट्रेशन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन है वो नीचे आएगी। सिमिलरली टी हाफ टू के लिए इनिशियल कंसनट्रेशन क्या आ जाएगी, ऊपर। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया, लॉग, यानी कि लॉग ऑफ एम ओवर एन, ठीक है। लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग अप्लाई किया लॉग एम की पावर एन। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग गया, लॉग एम की पावर एन विच इज़ इक्वल टू एन लॉग ऑफ एम, यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग हमारे पास इस क्वांटिटी के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की। एन क्या आ गया हमारे पास, वन प्लस लॉग ऑफ टी हाफ वन ओवर टी हाफ टू ओवर लॉग ऑफ सी टू बाई सी वन। फ्रॉम दिस एन कैन बी कैलकुलेटेड, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू। सो हाफ लाइफ पीरियड हमने अभी तक तीन ऑर्डर, तीन रिएक्शंस के लिए पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।